ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन, एक बार फिर से आपके बीच में, और थैंक यू सो मच इतना ह्यूज रिस्पांस देने के लिए। और हमें अच्छा लगा कि आपको वो चैप्टर समझ में आया, कल वाला चैप्टर समझ में आया, और फिर एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में एक चैप्टर और लेके आए हैं, जिसे कहते हैं फूड एंड इट्स सोर्सेस। फूड्स एंड इट्स सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। कल ही हमने जब अपने प्रीवियस चैप्टर्स में बात की थी तो बताया था कि फूड की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसी की बात आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे फूड एंड इट्स सोर्सेस में। इसके अंदर जिन जिन चीजों को हम लोग लेके चलेंगे वो है फंक्शन ऑफ फूड, इनग्रेडियंट्स इन द फूड आइटम्स, प्लांट्स एट सोर्स ऑफ फूड, एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, यानी फंक्शन ऑफ फूड्स बताए जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स इन द फूड आइटम बताया जाएगा, फूड एज अ सोर्स ऑफ फूड बताया जाएगा, प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड बताया जाएगा, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड बताया जाएगा, एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, यानी खाने के बेसिस पे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग कर सकते हैं, इस पर बात होगी, और फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन पर बात होगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोग रेडी हैं, तो एक बार जो है आपने वहीं से जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां से बोलिए यस वी आर रेडी। सो एवरीवन इज रेडी, यस गुड, देन वी स्टार्ट। तो सबसे पहले फिर वही चीज स्टार्ट करते हैं कि फूड क्या है और फूड क्यों जरूरी है। तो मैं फिर से बड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा, कल आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था इस पे कि जो फूड है वो एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स को और दूसरे एनिमल्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। दोबारा सुनिएगा, फूड हमें एनर्जी देता है जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, तो हम लोग कह सकते हैं जिस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कार चलानी है तो नहीं चलाना, मेरे ख्याल से आप छोटे बच्चे नहीं चलाते होंगे, लेकिन आपके फादर जरूर चलाते होंगे, क्या विदाउट फ्यूल वो कार चला सकते? नहीं चला सकते। वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा टाइप ऑफ अ वेबिनार अच्छा है, तो वेरी गुड। नहीं चला सकते, और नहीं चला सकते तो इसका मतलब क्या है कि नहीं चला सकते इसे, तो इसी तरीके से आप विदाउट फूड नहीं चल सकते, यानी ये आपका फ्यूल है। जिस तरीके से पेट्रोल आपकी कार का फ्यूल है, इसी तरीके से ये जो फूड है वो आपका फ्यूल है। और डे टू डे एक्टिविटी हमारी जितनी भी होती है उनमें ये फूड हमारे लिए जरूरी होता है, तो किस तरीके से ये वर्कआउट करता है इस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग तभी एक्टिव हो सकते हैं जब हम हेल्दी हों, इस चीज को भी पॉइंट को नोट करने वाला है, आप तभी एक्टिव हो सकते हैं जब आप हेल्दी हो, यानी अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप एक्टिव नहीं हो सकते। रेगुलर मील, रेस्ट, एक्सरसाइज, हेल्थ, ये हमारी जो हेल्पिंग कीपिंग अवर बॉडी हेल्दी, यानी रेगुलर खाना आपको जो नेक्स्ट आपके जो डाइट है वो बिल्कुल रेगुलर टाइम पर मिले, रेस्ट मिले आपको और एक्सरसाइज हो, ये आपको हेल्दी रखता है। देखिए वैसे तो बड़े क्लास की बात है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। हेल्दी और डिजीज फ्री दो टर्म्स होते हैं। हेल्दी का मतलब होता है यू आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट। फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट, मतलब आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, और सोशली यानी अगर आपको एंगर वगैरह आता है या आप अपने समाज में फिट नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, तो ये हेल्दी की परिभाषा ही है, व्हेन यू आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट, तब हम लोग कहते हैं कि आप जो है एक तरीके से पूरी तरीके से हेल्दी है। और एक टर्म आता है डिजीज फ्री। डिजीज फ्री का मतलब आपको बीमारियों से दूर रहना है बस,
यानी एक डिजीज फ्री आदमी हेल्दी हो भी सकता है और नहीं, एक डिजीज फ्री आदमी हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि एक हेल्दी आदमी डिजीज फ्री होगा ही होगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके हैं, यानी हेल्दी का मतलब है आप व्हेन यू आर अ फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट। सोशली में एंगर वगैरह, आपका समाज के प्रति कैसा रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें आती हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे हम लोग और चलते हैं और बात करते हैं, जैसे हमने बताया फूड आपका फ्यूल का काम करता है, आपको एनर्जी देता है, आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, और इसी तरीके से जो फूड होता है इसमें सबस्टेंस होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो फूड होता है इसमें सबस्टेंस होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। दोबारा समझ लेते हैं इस पॉइंट को। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया कि फूड एक फ्यूल की तरह काम करता है, क्लियर हो गया। जिस तरीके से एक गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, आपकी बॉडी बिना फूड नहीं चल सकती। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों को एक्टिव रहना है, और अगर हेल्दी रहना है तो अगर हेल्दी है तभी एक्टिव है। आपको मील रेगुलर इंटरवल पे लेना है, रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसके बाद जो आप फूड ले रहे हैं ये आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपकी जो बॉडी है उसको हेल्दी रखने में मदद करते हैं या उसको हेल्दी रखते हैं। यानी फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प टू हैव अ हेल्दी बॉडी, यानी आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेल्दी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसे कहते हैं फंक्शन ऑफ द फूड, यानी फूड के क्या क्या फंक्शन है। तो पहली चीज, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस बॉडी एक्टिविटी के लिए। दूसरी चीज, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, और जो हमारी सेल्स होती हैं, जो सेल्स डेड हो चुकी होती हैं या हट चुकी होती हैं उनको रिप्लेस करने का काम करता है। तो पहली चीज हो गई कि ये हमारी अलग अलग एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज हो गई, ये ग्रो करने में हेल्प करता है, और बोन आउट सेल्स को, यानी वो सेल्स जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है उनको हटाने का काम करता है। और इसके बाद हम लोग बात कर लें, ये बॉडी को डिजीज से बचाता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये बॉडी को डिजीज से एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है, हम लोगों को हेल्दी रखता है। अब आगे फूडिंग हैबिट्स लाइफ स्टाइल्स के बेस पर हम लोग फूडिंग हैबिट के बेस पर हम लोग पीपल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं दो चीजों में। सबसे पहले मैं बता दूं हम लोग ओमनीबोर है, ये थोड़ा आगे भी क्लियर करेंगे लेकिन यहां भी क्लियर करते चलते हैं कि ओमनीवोर वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा हर्बीवोर, वो जो प्लांट्स पर फीड करते हैं, साथ में बोलते चलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये प्लांट्स पर फीड करते हैं। और दूसरा हमने बताया कार्निवोर, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी जो मीट पर फीड करते हैं। तीसरी चीज हम लोगों ने बताई ओमनीवोर, जो हर्बीवोर्स पर, ध्यान से सुनिए, जो हर्बीवोर्स पर और जो आपके प्लांट्स हैं उन पर फीड करते हो, यानी दोनों चीजों पर। जो हम लोग हैं कि हम लोग जो एनिमल्स हैं उन पर भी मीट भी खा सकते हैं और साथ में प्लांट प्रोडक्ट पर भी वर्क कर सकते हैं। तो एनिमल अपनी जो है फीडिंग हैबिट के बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है दो चीजों में, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो पहला टर्म वेजिटेरियन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट प्रोडक्ट्स पे ही फीड करेंगे, यानी अगर इसकी डेफिनेशन बता दूं तो वेजिटेरियन ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। और नॉन वेजिटेरियंस, ये एनिमल्स की भी बात है, तो नॉन वेजिटेरियंस ईट प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज
प्रोडक्ट, यानी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खा सकते हो, या दोनों को खाने की जिन लोगों में कैपेबिलिटी है उनको नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। तो दोबारा क्लियर कर ले, ऑन द बेसिस ऑफ प्यूपिल दो तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वो है जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन वो है जो एनिमल्स और एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स को खा सकते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट जिसमें मीट भी आता है, फिश भी आता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब इंग्रेडिएंट्स की बात कर ले, इंग्रेडिएंट्स इन द फूड आइटम, तो इंग्रेडिएंट्स क्या है तो इसको समझने की कोशिश करें। वो मटेरियल्स, वो चीज जो किसी चीज को बनाने में यूज होते हैं, वो मटेरियल्स जो किसी फूड को बनाने में यूज होते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई है। और अगर हम लोग कह दें कि हम लोगों को पुलाव बनाना है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बताइए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो मे बी आप कहेंगे राइस है, वेजिटेबल है, स्पाइस है, ऑयल है, वाटर है, सॉल्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट क्या है किसी भी प्रोडक्ट्स को जो बनाते हैं, किसी भी चीज को जो हम प्रिपेयर करते हैं फूड आइटम्स को, उसके लिए जो जो जिन जिन चीजों की जरूरत होती है तो उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। मैंने बता दिया, अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो चावल है, सब्जी है, स्पाइसेस है यानी आपके मसाले वगैरह है, ऑयल है, ये सब जो है आपका काम करेंगे इंग्रेडिएंट्स का। अब नेक्स्ट बात कर ले हम लोग आपसे, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर प्लांट एज अ फूड रिसोर्स, यानी अब देखिए सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत, जहां से कोई चीज आ रही है। तो प्लांट अगर एज अ फूड सोर्सेस की बात करते हैं तो आपको जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, पल्सेस मिलती हैं, सीरियल्स मिलते हैं, यानी सब्जी है, फल है, दालें हैं, अनाज है, ये सब आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट से मिलते हैं। और प्लांट का वो भाग जिसे आप खा सकते हैं, प्लांट का वो भाग जिसको आप खा सकते हैं एडिबल पार्ट्स कहा जाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटन, पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटन रॉ और इन कुक्ड फॉर्म आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। यानी कहा जा सकता है कि डिफरेंट जो पार्ट ऑफ प्लांट है जिनको आप कच्चा या पकाकर खा सकते हैं उनको एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं, और ये जो एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे ये रूट भी हो सकते हैं, ये स्टेम भी हो सकते हैं बच्चों, ये लीव्स भी हो सकते हैं, ये फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ये वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, ये सीड्स भी हो सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूं, एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का सारा पार्ट आप सारी चीजें नहीं खा सकते, लेकिन कुछ जो एडिबल चीजें जिन्हें आप खा सकते हैं आराम से उनके बारे में बात की गई है। तो उनकी उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिसमें जो है ग्रुप किया जाता है जो प्लांट पार्ट आप खा सकते हैं, जिसमें रूट आती है, स्टेम आता है, लीव्स आती हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, सीड्स आते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग सीड किस किस के खाते हैं, तो एग्जाम्पल आता है मेज है, वीट है, फंगरीक है, मेथी, क्यूमिन और जो नट्स हैं। अब मैंने बताया सीड किस किस के खाते हैं, मक्का, गेहूं, मेथी, जीरा और जितने भी आप ये नट्स वगैरह खाते हैं, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो काजू हो, ये सब सीड्स में आता है। फ्रूट्स की बात कर लें, जल्दी जल्दी बताइए, पपाया है, ग्रेप्स है, एप्पल है। लीव्स की बात कर लें, लेट्यूस है, स्पाइनेच है। अब यहां पर फ्रूट्स की बात में हमने बताया था पपीता, आपका अंगूर, आपका एप्पल। लीव्स जहां पर ऐसा एडिबल पार्ट यूज होती है तो उसमें पालक, बंद गोभी। रूट्स की बात कर ले तो आप बात कर सकते हैं यहां पर कैरेट की और बीट रूट की, और अगर आप बात करते हैं
स्टैम की, तो यहां पर आएगा आपका सुगर कैन, पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, यानी ये एडिबल पार्ट्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं। अगर अगर आप लीफ की बात करते हैं तो आप केले के बात कर लेंगे, और अगर आप बात करते हैं एडिबल फ्लावर्स की तो इसमें ब्रोकली भी आ जाएगा, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग प्लीज हमें बताइए, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे कम्युनिकेट करके रियली में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगला टॉपिक आता है एनिमल एज द फूड सोर्सेस। अब एनिमल एज द फूड सोर्सेस, आपको दूध आपको पता है, मीट आपको पता है, एग आपको पता है, ये आप एनिमल प्रोडक्ट है जिनको फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो मिल्क है, ये आपको जो है बफेलो से, काउ से और गॉड से मिलता है, और जो लोग डेजर्ट में रहते हैं ये कैमल मिल्क का यूज करते हैं, जो आर्कटिक रीजन में होते हैं वो रेंडियर का यूज करते हैं, रेंडियर मिल्क का यूज करते हैं। फूड आइटम के अलावा जो है, जो फूड आइटम्स हैं जो एनिमल से हमें मिलते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और जो मिल्क होता है इसमें शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज शुगर कहते हैं। कई डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम लोग मिल्क से प्राप्त कर लेते हैं, आप सबको पता है, बटर है, चीज है, क्रीम है, कर्ड है, पनीर है, चीज जिसे हम लोग कहते हैं, यानी बटर, चीज, क्रीम, कर्ड, ये सारी चीजें हम लोग जो है ले सकते हैं। और इसमें जो हनी है, एक हनी भी प्रोडक्ट है जो हम लोगों को एपिस इंडिका यानी मधुमक्खी से मिलता है, और इसमें जो नेक्टर होता है यानी जो फूलों का रस होता है उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं जो आपकी मधुमक्खी होती है, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो हनी है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में शुगर होता है, और कुछ इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो आपको बचा सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से। एंटीसेप्टिक वर्ड का जब हम लोग बात करते हैं तो एंटीसेप्टिक जर्म्स को किल करने की प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली चीज आती है फूड हैबिट्स के बेस पे अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो पहली चीज आती है ऑटोट्रॉप्स। कल भी इस बात पे डिस्कस कर चुके थे, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है दोज एनिमल हु प्रिपेयरिंग देयर फूड ऑन सेल्फ, यानी वो एनिमल जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मेक देयर ऑन फूड, ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। और इसमें सारे ग्रीन प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बना सकते हैं। जिनको ये फोटोसिंथेसिस टर्म्स समझने में दिक्कत है तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। तो यहां पर हमने बताया कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो जो है आपको ऑटोट्रॉप्स का जो है अपना खाना वो खुद बनाते हैं। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, यानी ये प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, हिंदी में अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं वो भी इन वीडियोस से पूरा फायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली फॉर द सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो फॉर द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स और बेसिक स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है देन प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स की। हेटरोट्रॉप्स जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो अपने खाने के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप कहते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि ऑटोट्रॉप, मैंने कहा वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो यहां पर हेटरोट्रॉप अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरी बात, इनको हम लोग कंज्यूमर भी कहते हैं, और इसमें सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक अ फंजाई, एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग, ये सब आते हैं। अब ईटिंग हैबिट के बेस पर इनको डिवाइड किया जा सकता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स में।
तो सबसे पहले हर्बीवोर्स वो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खा सकते हो। अपनी सराउंडिंग बेटा आप ढूंढिएगा कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट प्रोडक्ट्स पर फीड करते हैं, तो इसमें आ जाता है डियर, हॉर्स, रैबिट, एलिफेंट, ये सभी हर्बीवोर्स हैं। इनके जो दांत है वो काटने के लिए और चबाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से इक्विप्ड होते हैं। इनके मोलर प्री मोलर जो दांत होते हैं जिनका काम ग्राइंडिंग का होता है ये वेल डेवलप्ड होते हैं। उनकी रिजल्ट बहुत फ्लैट टीथ जिसमें मोलर प्री मोलर आते हैं तो वो अच्छी रिजल्ट होती हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जो प्रोडक्ट है ये जितने भी प्लांट प्रोडक्ट है उनको चबा सके और ग्राइंडिंग कर सके। और कार्निवोर अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल को खाते हैं, यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल है, सिर्फ दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते। इसमें टाइगर आएगा, लायन आएगा, ईगल आएगा, आउल आएगा, फ्रॉग आएगा, स्नेक आएगा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं कि फीडिंग हैबिट के बेस पर हेटरोट्रॉप को डिवाइड किया जा सकता है हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में। तो हर्बीवोर्स का मतलब हो गया कि वो सिर्फ जो प्लांट खाएंगे जिसमें डियर है, हॉर्स है, एलिफेंट, और हमने ये भी बता दिया इनके जो चबाने वाले दांत हैं ये काफी स्ट्रांग होंगे। और अगर आप कार्निवोर की बात करें तो इसमें जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और इसमें जो है टाइगर है, लायन है, ईगल है, आउल है, फ्रॉग है, स्नेक है, ये सारे के सारे आते हैं। और इसमें बात कर लें कार्निवोरस वर्ड भी होती है, और ये जो वर्ड्स हैं इनकी जो पंजे होते हैं ये शार्प होते हैं और बड़ा स्ट्रांगली कर्व्ड होते हैं। स्नेक वगैरह ये सब और फ्रॉक्स वगैरह ये भी कार्निवोर्स में आते हैं। और इसके बाद कर लेते हैं ओमनिवोरस, यानी आप और हम जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, और इसमें ह्यूमन, बियर, मंकी ये सब जो हैं आपके कार्निवोर्स में आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं एक एक टॉपिक आपके दिमाग में जा रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप यहां कमेंट सेक्शन में हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो स्केवेंजर्स की बात कर लेते हैं, स्केवेंजर्स क्या होता है। तो स्केवेंजर्स दोस्तों वो होते हैं जो डेड बॉडीज पर फीड करते हैं। आप सोचिए स्केवेंजर्स वर्ड का मतलब एक तरीके से सफाई करने वाले या डेड मटेरियल्स को हटाने वाले, और अगर ये स्केवेंजर्स ना हो तो हमारी जो पूरी धरा है, जो पूरी जमीन है, ये भर जाए लाशों से। तो कुछ कोई ऐसे भी होने चाहिए जो डेड बॉडीज पर फीड कर सके, तो ये डेड बॉडीज पर फीड करते हैं, इनको स्केवेंजर्स कहते हैं। और ये सराउंडिंग्स को क्लीन करने